छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाढ़ आपदा में हुए नुकसान के मुआवजे के लिए शिवराज सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाढ़ आपदा में किसानों को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते उनकी मांग है कि किसानों को मुआवजे की सही राशि दी जाए। छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट में कांग्रेस ने सरकार के विरोध में जमकर हल्ला बोला और कलेक्ट्रेट का घेराव कर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार से किसानों को सही मुआवजा देने की मांग की है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सरकार विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने प्रशासन का विरोध करते हुए फायर ब्रिगेड वाहन के ऊपर भी पथराव किया। ये जो बाढ़ है, बाढ़ को लेकर जो किसानों को नुकसान हुआ है, आपकी मांग क्या है इसको? हमारी मांग ये है कि जो हजार क्षति सबका पूरांकन करके जो मुआवजा है, जमीनें बह गई, फसल पूरी की पूरी बह गई, जानवर बह गए, मकान बह गए, ट्यूबवेल मोटरें बहुत नुकसान हुआ, हर चीज का नुकसान हुआ है। तो गरीब हो चाहे किसान हो, सबको जो क्षति हुई उसकी पूर्ति होनी चाहिए। और कोविड-19 को लेकर आपकी कोविड-19 को लेकर सरकार इतना पैसा भेज रही है, लेकिन रिकॉर्ड में टीवी में बहुत अच्छा दिख रहा है। वास्तव में हितग्राहियों को जो लाभ मिलना चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था देखिए, पूरी अव्यवस्था है, ये सब सुधारना चाहिए और लोगों को, गरीबों को राहत मिलना चाहिए, पीड़ितों को राहत मिलना चाहिए। कांग्रेस ने टाइम दिया है क्या कोई? कांग्रेस ने टाइम दिया हुआ, हम लोगों ने मांग पत्र पूरी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, माननीय विधायक, हम सब लोगों ने पूरी मांग लिखित दी हुई है और हम लोग अलग से बैठकर चर्चा भी करेंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।